अब ये जो पुराना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ये समाप्त हो रहा है, 23-24 का नया वर्ष अप्रैल में शुरू हो जाएगा, उसका जो हमने बजट भी पारित कर लिया है और साल के अंत में अभी पिछले वर्ष की जो चल रही योजनाएं उनकी समीक्षा और नए वर्ष के लिए कुछ संकल्प, इन विषयों को लेकर के डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने विषय रखा है, डिटेल हमारे अधिकारी बैठ के कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हमारी विशेष तौर पर नई योजनाएं पिछले वर्ष भर में हमने लागू की हैं, परिवार पहचान पत्र है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या स्वामित्व है, शहरी है, स्वामित्व ग्रामीण है, ऐसी जो भी योजनाएं हैं उन सब पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं परिवार पहचान पत्र के समेत, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए और वार लेवल पर प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निर्देश दिए उनको। और खास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है, मिलने जुलने के समय में भी कोई कटौती ना करें, प्रतिदिन 2 घंटे जनता से मिलने का कार्यक्रम, और ये भी आज तय किया कि उन 2 घंटों में कम प्रदेश स्तर से जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो बिल्कुल नहीं किया करेंगे, 2 घंटे अपनी कोई मीटिंग नहीं करेंगे, 11 से 1 चाहे डीसीज हैं, एडीसीज हैं, एसपीज हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं वो सब 11 से 1 रोजाना पब्लिक को मिलने जुलने का काम करेंगे। और खास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ समय पर मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो सीधी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो जिम्मेवार लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लेकर के सारे कामों को ठीक करें, ये विशेष निर्देश उनको दिए गए हैं। और किसी प्रकार की कोई ढिलाई आएगी तो सीधी जिम्मेवारी डिप्टी कमिश्नर्स की होगी, ऐसा इनको बताया। हमने चूंकि जितने लोकल बॉडीज हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो शहरी हैं चाहे गांव की हैं, उनको जितना ज्यादा ज्यादा स्वतंत्रता ऑटोनोमी दी जा सके वो दे रहे हैं, फंड्स उनके निर्धारित कर दिए गए हैं, बल्कि जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी के फंड्स अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने थे आज निर्देश दे दिया उनको कि पिछले सारे फंड्स 31 मार्च से पहले सब रिलीज हो जाएं, और आगे आने वाले जो भी इस प्रकार के पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में कैसे जाएं इसका प्रबंध हम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा उनको जाता है वो भी सीधा उनको जाना शुरू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही जाता है, अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम वो करें इस नाते से उनको पूरी छूट है। कुछ योजनाएं जो एक पार्टिसिपेटरी तरीके से एक सहयोग एक दूसरे के सहयोग से हम करेंगे, उसमें योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे 75% 25% की कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं, खास करके एक योजना के लिए आज ही हमने 200 करोड़ रुपया रिलीज किया है, ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता, चाहे वहाँ ई ऑटो हो, चाहे वहाँ छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारियों का विषय हो, उस खाद को ले जा करके कहीं डंप करने की बात हो, उसका जो पिट्स बनाने की बात है, वहाँ कंपोस्ट करके उस खाद को बेचने की बात है, ऐसा एक प्रोजेक्ट आज मोटे रूप से एक क्लियर किया है। इसकी प्लानिंग बना करके 31 मार्च के तुरंत बाद ये 200 करोड़ रुपया जिन गांवों ने योजना बनाई उनको रिलीज हो जाएगा। इसी प्रकार हमने जो और एक योजना बनाई है, जो गांव में कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े गाँव में जिनमें कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, ऐसे गाँव के लिए एक एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर करने का भी हमने प्रस्ताव मंगाए हैं। गाँव से जो प्रस्ताव भेजेंगे तो सबसे पहले ऐसे 80 गांवों के अंदर और लगभग 200 करोड़ रुपया जिस पर खर्च आएगा, 2.5 करोड़ रुपया प्रति गांव के प्रति कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, उसको भी सैंक्शन किया है। गांव से प्रस्ताव मांगेंगे कि 5000 से बड़ी आबादी के जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहां की पंचायतें एक एक कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजें। हम अपने विधायकों को भी कहेंगे कि वो भी उन गाँव से प्रस्ताव लेकर के आएँ ताकि उनको हम और ये मंजूरी दे सकें। 200 करोड़ रुपया इसके लिए भी रिजर्व किया है।